जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज लेकर के आए हैं और ये वैकेंसीज़ काफ़ी सारी लोकेशन से आई हैं जिसमें मोस्टली दिल्ली एनसीआर सी की स्कूल शामिल हैं और बाकी अलग लोकेशन से भी वैकेंसीज़ आई हैं इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों से बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई है कुल ट्वेंटी स्कूलों की वैकेंसीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है आम वीडियोस की कंपैरिजन में क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है और लेटेस्ट है अच्छे स्कूलों से वैकेंसीज़ आई हैं जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल जीडी डी गोइिका स्कूल और अन्य स्कूल भी शामिल हैं जिसमें आपको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा अधिकतर स्कूलों में सैलरी अच्छी खासी प्रोवाइड की जानी है सेवेंटी एटी थाउजेंड पर मंथ साथ में अदर जो पॉक्स होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ स्कूलों में वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए आपको फेयर जो है जाने का किराया उसमें थर्ड ए की टिकट भी आपको फ्री दी जाएगी तो ये कुछ सुविधाएँ हैं जो अट्रैक्ट करती हैं कैंडिडेट्स को और अच्छे स्कूल है तो एक एक करके देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स को और वैकेंसीज को सबसे पहले तो देखिए फर्टिलाइज़र पब्लिक स्कूल ये वैकेंसी आ रही है फ़र्टिलाइजर पब्लिक स्कूल से जहां पर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पीजी में देखिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स तो कुल छः सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं आपकी पी के पोस्ट पे सिर्फ वैकेंसी है और किसी भी पोस्ट पे वैकेंसी नहीं है मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है साथ में बीएड होना चाहिए आपके पास मिनिमम फाइव ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इन टीचिंग टेन प्लस टू यानी एज अ पी आपके पास फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश अट्रैक्टिव सैलरी टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स टीचर्स विद एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सी बी स्कूल्स विल बी प्रेफर्ड लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 नवंबर 2023 तो है तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है 2023-24 की यह वैकेंसी है 15 नवंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ई मेल है एफ ई आर टी एस पी एन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आपको अप्लाई करना है यानी तो एक सेकेंड सेकेंडरी मेल आई डी मैंशन किया हुआ है जर एफ पी एस एस पी एन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर किया हुआ है यह लोकेशन है शाहजहांपुर वहां से वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश से यह वैकेंसी है फर्टिलाइजर पब्लिक स्कूल अगली वैकेंसी देख लेते हैं अगली वैकेंसी देखिए जहां पर रिक्वायरमेंट्स है नैनसी कॉन्वेंट स्कूल नैनीताल से यह स्कूल उत्तराखंड में पड़ता है और को एजुकेशनल फुली रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो एक रेसिडेंशियल स्कूल है यहाँ से वैकेंसी आ रही है सबसे पहले डेजिनेशन देखते हैं पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज है ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज हैं जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस टेन ईयर्स की मांगी गई है तो एक्सपीरियंस काफ़ी हैवी मांगा जा रहा है सैलरी आपकी सिक्सटी टू सेवेंटी पर मंथ होने वाली है पी टी में भी ऑल सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज हैं एक्सपीरियंस आपका इसमें मिनिमम फाइव ईयर्यर्यर्यर्यर्यस का मांगा जा रहा है फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड आपकी सैलरी होने वाली है पीआरटी में मिनिमम थ्री ईर्यस का एक्सपीरियंस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी होने वाली है हॉस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट है फाइव ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी होगी म्यूजिक टीचर फाइव ईयर एक्सपीरियंस पच्चीस से तीस हज़ार रुपये सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है फाइव ईयर का एक्सपीरियंस थर्टी फाइव टू फोर्टी थाउजेंड सैलरी आपकी पर मंथ होने वाली है बोर्डिंग स्कूल टीचर्स आर हाईली प्रेफरेबल जिन्होंने इसमें पढ़ाया हो पहले फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी साथ में फ्री एजुकेशन फॉर टू चाइल्ड ये भी प्रोवाइड किया जाएगा सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन सेवन डेज सात दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर देना है इस मेल आई पर जस्ट मेल के माध्यम से रिज्यूम सेंड करके आप अप्लाई कर सकते हैं मेल आई है नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ट्रो एंड फ्रो ट्रेवलिंग एक्सपेंस थर्ड ए ट्रेन या एसी बस का आपको प्रोवाइड किया जाएगा जाने और आने का सेल भी बस्ट टू अटेंड इंटरव्यू जो इंटरव्यू के लिए अटेंड करने के लिए आपका जो फेयर का कॉस्ट आना है वो भी आपको स्कूल प्रोवाइड कराएगी इंटरव्यू विल भी हेल्ड इन थ्री वीक्स तीन हफ्तों के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है और एक और ए पी जे स्कूल इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है यहाँ से वैकेंसी आ रही है इकनॉमिक्स की बिजनेस मैनेजमेंट की और इंग्लिस की तो इस तीन के लिए वैकेंसी है क्वालिफिकेशन अगर आप इसका एक बार देख लेंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद टीचिंग डिग्री और एक्सपीरेंस थ्री टू फाइव ईयर्स का आपके पास होना चाहिए ये आई वी स्कूल है यानी इंटरनेस आ, इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल है तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इच्छुक है तो अप्लाई कर सकते हैं ए पी जे स्कूल पंचशील पार्क न्यू दिल्ली यहाँ से ये यह रिक्रूटमेंट आ रही है अप्लाई करने के लिए आप है स्कूल डॉट एस एस डॉट इंट एट द रेट ए पी जे डॉट ई डी यू इस मेल आई डी पर अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं तो इसको आप इसक्रीन शॉट ले लेंगे एक बार अगली वैकेंसी देखिए यहाँ पर भी काफ़ी मेगा रिक्रूटमेंट है बड़े लेवल पर वैकेंसी आ रही है इसको एक बार देख लेते हैं जो कि आ रही है गुधा एजुकेशन हब यहाँ से आ रही है ये वैकेंसी देखिए गुधा एजुकेशन हब यहाँ से रिक्रूटमेंट है वी आर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्राम वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टेक्स सेवी एक्स एक्सपेरियंट्स विद एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हु आर रेडी टू ज्वाइन अस इन दिस एक्साइटिंग जर्नी फ्रॉम मिड जनवरी 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑनवर्ड्स तो दो हज़ार चौ चौबीस से आपकी ज्वाइनिंग होनी है फॉर दी सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए वैकेंसी आ रही है स्कूल आपका राजस्थान में है राजस्थान से पड़ता है ये वैकेंसी जहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी प्रिंसिपल की है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है मास्टर्स होना चाहिए बी साथ में मिनिमम फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल इन द रिनाउंड डे बोर्डिंग कम रेसिडेंशियल सी बी स्कूल और एज लिमिट फिफ्टी टू के अंदर होना चाहिए आपका बात करते हैं पी जी टी टी जी टी पी आर टी एन टी टी एक्टिविटी टीचर्स इन सभी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं एलिजिबिलिटी जो सी बी एस ई के नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है हेडमिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है साथ में अदर स्टाफ्स में काफ़ी सारी वैकेंसी है नॉन टीचिंग में देख सकते हैं आप काउंसलर है लाइब्रेरियन लैब टेक्नीशियन अकाउंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आई एडमिनिस्ट्रेटर रिसेप्शनिस्ट होटल हॉस्टल वार्डन ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर कैंपस सुपरवाइजर ऑफिस सुपरवाइजर फीमेल नर्स कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सनल असिस्टेंट ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर तो आगे देख लीजिए वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड आवर स्टाफ विद सपोर्टिव एंड कोलेबरेटिव वर्क इन्वायरमेंट वी ऑफर कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड बेनिफि एज वेल एज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेमी फर्निश्ड कैंपस रेसिडेंस इज़ एवेलेबल फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स तो सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी खासी है अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वैसे वैकेंसी सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट 25 अक्टूबर है 25 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है ई नहीं करना है इसमें तो गुधा एजुकेशन हब से ये वैकेंसी आ रही है राजस्थान से वैकेंसी है अच्छी वैकेंसी है अगली वैकेंसी देख लेते हैं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर से आ रही है डीपीएस जोधपुर राजस्थान से ये वैकेंसी आ रही है यहाँ पर पीजीटी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है टीजीटी में इंग्लिश हिंदी uh, संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस और सोशल साइंस की रिक्वायरमेंट है पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डांस आर्ट एंड क्राफ्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है काउंसलर की रिक्वायरमेंट है टीजीटी और पीआरटी के लिए टेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाली है सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी सीपीएफ पी एफ ग्रेचुटी एक्सेट्रा एज पर सेवंथ पे कमीशन एंड स्कूल रूल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू इस वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें अटैच फोटो ऑफ टेस्टिमोनियल्स रिसेंट फोटोग्राफ एंड डी ऑफ रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी तो टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ की डी भी आपको लगानी पड़ेगी इन फेवर ऑफ़ डी जोधपुर शुड रीच स्कूल विद इन ट्वेंटी डेज़ तो ट्वेंटी डेज़ के भीतर आपको ये फॉर्म फिल करके उसमें टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ का डी डी अटैच करके बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक प्रॉपर सेट बना करके आपको कुरियर के माध्यम से बीस दिनों के भीतर सेंड कर देना है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो आज से बीस दिनों के भीतर आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आज की लेटेस्ट न्यूज है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर से ये वैकेंसी है अच्छी वैकेंसी है नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है गुजरात से ये रिक्रूटमेंट है जहाँ पर कॉम्पिटेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है सेशन 2024-25 के लिए जिसमें के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है पीआरटी, टीजीटी में इंग्लिश, टी जी सोशल साइंस और टी जी लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट इतनी सारी वैकेंसीज है प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड स्कूल्स प्रोफिशेंसी इज इंग्लिश इन इंग्लिश इज मस्ट टी हिंदी एंड संस्कृत की रिक्वायरमेंट है रिनमेशन की बात कर लेते हैं कॉम्पनसेशन विल कमेंसोरेट विद द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट लीज़ एकोमोडेशन इन सूरत सिटी विल भी प्रोवाइडेड फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पोस्ट के माध्यम से या ई के माध्यम से अपना अप्लाई कर सकते हैं रिज्यूम सेंड करना है उनको ई के माध्यम से अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदिन अ वन वीक तो एक सप्ताह के भीतर आपको अप्लाई कर देना है ई मेल है स्कूल डॉट एच आर एट द रेट ई डी ओ डॉट ए एम एन एस डॉट इन इस मेल आई पर आपको अप्लाई करना है तो अच्छी वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है तो यहाँ पर देख लेते हैं रिक्रूटमेंट कितनी पोस्ट पे है तो लगभग सभी पोस्ट इसमें भी कवर हो रहे हैं पीजीटी में देखिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अंतरप्रनोरशिप सोशियोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी तो पी में कुल इतने पोस्ट हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है जिसमें आपने फर्स्ट या हाई सेकेंड सेकेंड uh, डिवीजन से आपने पास किया हो फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से विद बी बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो थ्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन टीचिंग पोस्ट इन अ रेप्यूटेड स्कूल एट टेन प्लस टू लेवल यानी एज अ पीजीटी आपने तीन वर्ष कहीं पढ़ाए हो टीजीटी में बात करते हैं इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स आईटी सोशल साइंस सोशल साइंस में हिस्ट्री विद सिविक्स स्लैश जोग्राफी हिंदी एंड संस्कृत की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकंड डिवीजन के साथ किया हो आपने साथ में बीएड हो और सी क्वालिफाइड हो सी क्वालिफाइड को प्रेफरेंस दी जाएगी थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए सेकेंडरी uh, लेवल पे यानी uh, या फिर सेकेंडरी लेवल पर यानी तो टेन प्लस टू लेवल पे एज ए पी भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी तो टी के लिए थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए बात करते हैं पी की इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस सोशल साइंस एंड कंप्यूटर जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद बीएड साथ में सी मांगा गया है टू ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए अदर पोस्ट हैं फोर्थ नंबर पोस्ट एन का है पीटीआई का है म्यूजिक टीचर डांस टीचर फाइन आर्ट्स टीचर बैंड कोच फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव अकाउंट ऑफिस असिस्टेंट स्पेशल एजुकेटर लैब असिस्टेंट इतनी सारी वैकेंसीज हैं पे एंड पक्स फॉर सीरियल नंबर वन टू थ्री यानी पी जी एंड पी इनको सेवन्थ सी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा विद अपडेटेड डी तो डीए भी अपडेटेड होगा यानी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है सैलरी नेगोशिएबल होगा सीरियल नंबर फोर टू थर्टीन के जो पोस्ट है उनके लिए नेगोशिएट सैलरी किया जाएगा तो जो कुछ भी से बैठेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी एज लिमिट है फॉर ऑल दी पोस्ट मैक्सिमम फोर्टी फाइव ईयर्स एज ऑन एक चार दो हज़ार चौबीस तो मैक्सिमम एज लिमिट फोर्टी फाइव ईयर्स है प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का फॉर डल्टूनगंज कैंपस ये जगह है मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से जो भी जगह है ये यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं अपडेटेड रिज्यूम ऑन द ई मेल अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है ऑक्सफोर्ड डी पी ऑक्सफोर्ड पी एस डी ए एल टी ओ एन जी ए एन जी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यानी तो सिंपल प्रोसेस है मेल आईडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर रांची कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं बट रांची कैंपस के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है और ये दलतूनगंज कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दलतूनगंज कैंपस के लिए आपको यहाँ पर ये यह भी झारखंड में ही है झारखंड से ही वैकेंसी आ रही है दोनों लोकेशन झारखंड में ही है तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर मैंशन किया हुआ है बाकी रांची कैंपस की भी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर मैंशन की हुई है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ चार ग्यारह दो हज़ार तेईस तो चार नवंबर दो हज़ार तेईस तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो लास्ट डेट होने वाली है तो उससे पहले तक आप अप्लाई कर दें तो ये अच्छी वैकेंसी है काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी और सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से ये रिक्रूटमेंट है नेक्स्ट देखिए जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है शास्त्री पार्क न्यू दिल्ली से वैकेंसी आ रही है जहाँ पर पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स पर रिक्रूटमेंट है टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन ईमेल देयर रिज्यूम एट पब्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली टूल्व दिल्ली टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम एक बार फिर से बोल देता हूँ पब्लिक स्कूल दिल्ली टू ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डे पर आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी वोकल इंटरव्यू भी ऑन गोइंग है बिटवीन ऐट एम टू इलेवन एम नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि जी डी का स्कूल से आ रही है यह वैकेंसी न्यू दिल्ली से है न्यू दिल्ली में शक्तिखंड थ्री इंदिरापुरम गाजियाबाद से वैकेंसी आ रही है रिक्रूटमेंट है वाइस प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री विद इन साइंस मांगा गया है विद मिनिमम टू ईयर्स एक्सपीरियंस पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट है बात करते हैं पीजीटी में फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स बिजनेस स्टडीज इंग्लिश अकाउंटेंसी टी में सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स टी जी टी फ्रेंच पी हिंदी एंड इंग्लिश, प्री प्राइमरी टीचर एडमिशन काउंसलर अकाउंटेंट लैब असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए म्यूजिक में स्ट्रिंगड एंड परकसन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रिक्वायरमेंट है आईटी एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की रिक्रूटमेंट है इन सभी पोस्ट के लिए प्लीज मेल योर रिज्यूम विद अ पासपोर्ट साइज फोटो एट जी डी वैकेंसी ट्वेंटी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर बाई फोर्टीन टेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो लास्ट डेट है आपका चौदह अक्टूबर दो हजार तेईस क्लियरली मैंसनिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर साइटिंग द ई मेल सब्जेक्ट आपको ईमेल का सब्जेक्ट डालना है रिज्यूम अक्टूबर 2023 जो शॉर्टलिस्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा सैलरी विल कमेंसरेट विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन तो अच्छी वैकेंसी है जीडी डी का स्कूल से ये वैकेंसी आ रही है जहाँ पर पी जी और सभी की वैकेंसीज हैं बात करते हैं अगली वैकेंसी की जो कि अमेरिकन मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल से आ रही है डी एल फेज़ टू गुरुग्राम से वैकेंसी आ रही है वी आर हायरिंग क्वालिफाइड एडमिन एंड टीचिंग फैकल्टी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स करंट अपॉर्चुनिटीज़ है एडमिशंस मार्केटिंग मैनेजर की पी आर एंड टी में ऑल सब्जेक्ट्स की पी में कंप्यूटर साइंस की साथ में फ्रंट ऑफिस एडमिन असिस्टेंट एडमिन लॉजिस्टिक ऑफिसर्स इन सभी की रिक्रूटमेंट है सेंड कर सकते हैं आप अपना सीवी विद टू रेफरेंसेस टू जॉब्स एट द रेट अमेरिकन पब्लिक डॉट कॉम तो दो रेफरेंस आपको मेंशन करना है साथ में सीवी सेंड करना है ये दो चीज़ें आपको सेंड करनी है इस मेल आई पर जॉब्स एट द रेट अमेरिकन पब्लिक स्कूल डॉट कॉम आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं अदर डिटेल्स के लिए करियर सेक्शन पे जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंसन किया हुआ है अधिक जानकारी के लिए अगली वैकेंसी देखिए जो कि आ, एलकॉन इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है मयूर विहार फेज वन से अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट है पीजीटी कॉमर्स की टीजीटी कंप्यूटर साइंस की विद नॉलेज ऑफ एआई इंग्लिश एंड हिंदी तो डीजीटी इंग्लिश एंड हिंदी की भी रिक्रूटमेंट है पीआरटी मैथ्स एंड इंग्लिश की वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर बात करते हैं अगला ए लैब कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज पर दी रोल्स होंगे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं फॉर दिअर पोजीशंस ऑनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स क्वालिटी एक्सपीरियंस एंड आई सी टी स्किल्स विल भी कंसिडर्ड कैंडिडेट्स में ई मेल दे सी वी एट जॉब्स एलकॉन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम लास्ट डेट उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार तेईस है तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी दिल्ली इंग्लिश एकेडमी से आ रही है सेक्टर पच्चीस द्वारका न्यू दिल्ली से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पीजीटी केमिस्ट्री इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस टीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस साइंस फिजिकल एजुकेशन पी ऑल सब्जेक्ट्स नर्सरी टीचर रिसेप्शनिस्ट ऑफिस असिस्टेंट हैविंग गुड कंप्यूटर नॉलेज एलिजिबल कैंडिडेट्स में ई मेल एप्लीकेशन में मेल देयर एप्लीकेशन विद डिटेल रिज्यूम एट स्कूल मेल आईडी और सेंड बाय पोस्ट ऑन स्कूल एड्रेस तो बाय पोस्ट या मेल आईडी के थ्रू आप मेल कर सकते हैं मेल आईडी है दिल्ली इंग्लिश अकेडमी एट द रेट नाइनटीन नाइन्टी एट द डॉट कॉम तो ये आपकी मेल आई होने वाली है इस मेल आई पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है तो द्वारका से ये वैकेंसी थी अगली वैकेंसी कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है आईपी पी इंक्लेब गाज़ीपुर न्यू दिल्ली 96 से वैकेंसी है सिर्फ फीमेल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है पीजीटी इंग्लिश आईटी एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की साथ में टीजीटी में ड्राइंग संस्कृत म्यूजिक टीचर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एलडीसी रिसेप्शनिस्ट और स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है चौदह अक्टूबर दो को आप पार्ट ले सकते हैं सैटरडे है उस दिन नाइन ए से तो ये वैकेंसी है अगली देखिए न्यू एरा एजुकेशन सोसाइटी से वैकेंसी आ रही है एच सेवेंटीन मायापुरी रोड न्यू दिल्ली सिक्सटी फोर से वैकेंसी है अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मायापुरी के लिए टी जी टी इंग्लिस जिसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन इंग्लिश मांगी गई है साथ में बी एड टी जी टी मैथ्स मास्टर्स इन यानी एम एस सी इन मैथ्स साथ में बी एड टी जी टी कंप्यूटर साइंस एम एस सी या एम सी ए किया टी हिंदी ग्रेजुएशन साथ में बी एड मांगा गया है पी आर टी इंग्लिश एंड एस एस टी ग्रेजुएट विद बी एड स्पेशल एजुकेटर बी एड इन स्पेशल एजुकेशन एंड रजिस्टर्ड विद आर सी आई लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड आई पी पी ए टू द प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट हों विद सेक्रेटेरियल एक्सपीरियंस और साथ में द्वारका के लिए भी रिक्रूटमेंट है न्यू एरा पब्लिक स्कूल द्वारका की भी वैकेंसी है वो मायापुरी का था डी जी टी इंग्लिश के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एंड आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है तो दो वैकेंसी है जो टीचर्स हैं उनको सीटे क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है कैंडिडेट्स विद मिनिमम फिफ फाइव टू टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पब्लिक स्कूल ऑफ रेप्यूटेडेड Proficiency in computers, good communication skills and command over English language need apply only. Interested candidates may contact society's office for application form. या नहीं तो apply online कर सकते हैं on न्यू एरा एम पी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर अगर आप मायापुरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो और अगर द्वारका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एरा द्वारका एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये वैकेंसी थी कुछ जो ने आज हमने आपके साथ डिस्कस की दो वैकेंसी और रह गई है उन्हें एक बार देख लेते हैं छोटी छोटी सी वैकेंसी है आ, पहली वैकेंसी है दी सेंटेनियल स्कूल से पानीपत से रिक्रूटमेंट आ रही है वी आर लुकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ टीचर्स तो ग्रुप ऑफ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है एकेडमिक हेड और एडमिन हेड की रिक्वायरमेंट है रेडी टू रिलोकेट हो या फिर वहाँ के लोकल्स हों वो अप्लाई कर सकते हैं उनको पानीपत हरियाणा रिलोकेट करना पड़ेगा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है गुड सैलरी पैकेज होगी रिज्यूम सेंड कर सकते हैं आप करियर्स डॉट टी सी एस पानीपत एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर अगली वैकेंसी यहाँ पर प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है एट ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हो आप फॉर अ टॉप मोस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन लुधियाना तो लुधियाना से वैकेंसी है अप्लाई आप अपने बायोडाटा के साथ इस ई मेल पर कर सकते हैं योगिता सूद फाइव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी शामिल है एक सरदार पटेल स्कूल से भी वैकेंसी आ रही है सरदार पटेल विद्यालय लोधी स्टेट न्यू दिल्ली से यहाँ पर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बी जे पोलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी टी जी टी हिस्ट्री एंड जोग्राफी स्पेशल एजुकेटर एंड पी साथ में पार्ट टाइम थिएटर टीचर थ्री टू फाइव डेज़ का एक्सपीरियंस हो दस दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है तो आज से दो तीन दिन पहले ये वैकेंसी पब्लिश हुई थी तो आप टेन डेज़ के भीतर अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसको फिल करके इस ई मेल आई डी पर सेंड कर देना है रिक्रूटमेंट एट द रेट एस पी वी डेली डॉट ओ आर जी इस मेल आई डी पर तो ये कुछ वैकेंसीज थी थैंक यू सो मच आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ कवर करते रहते हैं चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो थैंक यू